हेलो एवरीवन आई एम नेहा वेदवान और अपने इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट ग्रामर कराने वाली हूँ सो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है केस वॉट इस केस तो केस क्या होता है जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि के, केस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि हम कैसे पता करें कि हमारा जो केस है वो नॉमिनेटिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है या एक्यूसेटिव डेटिव पजेसी और वोकेटिव तो आज हम इन सभी केस को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आज के बाद आप अगर आप केस पढ़ रहे होंगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होने वाली है सो so, प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखना और चलो तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ओके तो फर्स्ट है हमारा नोमिनेटिव केस नोमिनेटिव केस क्या होता है जब नॉमिनेटिव नोमिनेटिव को हम क्या भी बोलते हैं सब्जेक्टिव केस क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव केस नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है जो हमारा ऑब्जेक्ट के पेस पे होता है ये भी ये अभी मैं बताऊंगी लेकिन एक बार आप इनके सारे जो काइंड्स हैं वो एक बार अच्छे से देख लो नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव को आप क्या भी बोल सकते हो एक्यूसेटिव भी बोल सकते हो और डेटिव भी होता है तो ऑब्जेक्ट में हमारा एक्यूसेटिव भी आ जाएगा और डेटिव भी आ जाएगा ओके okay, नेक्स्ट है हमारा पजेसिव केस ठीक है और उसके बाद है हमारा वोकेटिव केस तो ये हमारे जो केस है वो कौन कौन से होते हैं नॉमिनेटिव जिसको हम सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव केस एक्सेटिव डेटिव पजेसिव और वोकेटिव, वोकेटिवे तो फर्स्ट है हमारा नॉमिनेटिव केस अब नॉमिनेटिव केस क्या होता है नॉमिनेटिव जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूं नॉमिनेटिव क्या होता है सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट क्या होता है अब सब्जेक्ट को पता करने के लिए आप कैसे पता करोगे जिसके बारे में सेंटेंस में जिसके भी बारे में जो भी बात हो रही है वो सब्जेक्ट होता है हमारा अब वो कैसे पता करोगे आप जैसे कि यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल है द रेड फोर्ट हमारा जो एग्जाम्पल है द रेड फोर्ट इज ए फेमस बिल्डिंग रेड फोर्ट इज अ फेमस बिल्डिंग रेड फोर्ट क्या है किसके बारे में बात हो रही है फेमस बिल्डिंग कौन है रेड फोर्ट की बात हो रही है तो रेड फोर्ट हमारा क्या है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को पता करने के लिए बहुत ही सिंपल आपको क्या करना है कि आपको वर्ब से क्वेश्चन करना है और क्वेश्चन क्या करना है कौन से करना है किससे क्वेश्चन करना है कौन से क्वेश्चन करना है जो फेमस बिल्डिंग है तो किसके बारे में बात हो रही है कौन है वो कौन है तो आपको कौन से कौन, जहां भी आपने कौन से क्वेश्चन किया और वहां पे जो उसका भी जिसका जो, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपका सब्जेक्ट है तो कौन है वो आपकी फेमस बिल्डिंग वो रेड फोर्ट है तो रेड फोर्ट आपका आ गया तो ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है सब्जेक्ट और एक आप देखना है आपको कि किसके प्लेस पे है सब्जेक्ट uh, पता करने के लिए आपको वर्ब देखनी है इज हमारी क्या है वर्ब है और वर्ब वर्ब से जो भी पहले आता है वो हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है वर्ब के जो बाद आता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है और एक मैंने आपको बताया दिया जिसके भी बारे में बात होती है वो हमारा क्या होता है सब्जेक्ट होता है तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है जो सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है वो हमारा नॉमिनेटिव केस होता है सो गोट माई पॉइंट तो वर्ब से पहले कौन होता है सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है सब्जेक्टिव केस हो गया हमारा इसको हम नॉमिनेटिव केस भी बोल सकते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है वर्ब से क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन क्या करना है कौन से क्वेश्चन करना है आपका आंसर अपनी जो भी आपका आंसर आता है वो आपका सब्जेक्ट है फेमस बिल्डिंग है कौन है रेड फोर्ट है तो आपका कौन से क्वेश्चन निकल के जो भी आपने कौन कौन से क्वेश्चन किया और उसका आप जो आपका आंसर आ गया वो हमारा क्या सब्जेक्ट है दूसरा आप ये भी देख सकते हो आपकी वर्ब कहाँ है इज़ है वर्ब और वर्ब से पहले क्या आ रहा है द रेड फोर्ट तो रेड फोर्ट हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया तो ये हमारा हो गया नॉमिनेटिव केस तो नॉमिनेटिव केस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चुकी हूं जो हमारे वर्ब के बाद आता है वर्ब के बाद आता है वो हमारा क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस होता है वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस इसको हम क्या भी बोल सकते हैं एक्यूसेटिव भी होता है और डेटिव भी होता है अब इनमें क्या कन्फ्यूजन होता है भाई डायरेक्ट हम कैसे पता करें कि एक्यूसेटिव कौन सा ऑब्जेक्ट है और डेटिव कौन सा ऑब्जेक्ट है ये बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला केस हो गया हमारा अब ही गेव हिम आ ब्लू शर्ट और सॉरी राम गेव हिम आ ब्लू शर्ट अब यहाँ पर राम और पहले वर्ब हमारे क्या है गेव व से पहले क्या आ रहा है राम तो ये अब राम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया क्योंकि सब्जेक्ट प्लेस पे है वर्ब से पहले है एक दूसरा जो मैंने आपको बताया था क्वेश्चन किससे करना है गेव दिया आ, गेव हिम अ ब्लू शर्ट आ, उसको ब्लू शर्ट दी किसने दी कौन है वो देने वाला तो कौन है और किसने दी किसने दी भाई राम ने दी तो राम हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया नेक्स्ट आपका वर्ब वर्ब के बाद आपका वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट और वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट आता है तो ये हमारे अब हिम भी हमारा ऑब्जेक्ट है? और शर्ट भी हमारा क्या है ऑब्जेक्ट है समझ आया और शर्ट भी है तो कैसे पता करोगे आपको आपको देखना है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कैसे पता करोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता करने के लिए आपको क्या करना है वर्ब को देखना है वर्ब क्या है गेव अब इससे जो डायरेक्ट आंसर आपका आएगा गेव दिया क्या दिया क्या से क्वेश्चन करो वर्ब से क्वेश्चन करो क्या राम गेव राम ने दिया क्या दिया शर्ट दी क्या दी शर्ट दी है और किस दी है वो ब्लू क, किसको दिया सॉरी उसको दिया समझ आया राम ने दिया क्या दिया शर्ट दी है किसको दिया उसको है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्ट आंसर एकदम से आ जाए वर्ब से क्वेश्चन किया हमने क्या दिया तो क्या से क्या क्वेश्चन करते हैं हमारा क्या आंसर आ रहा है शर्ट तो शर्ट हमारा क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो डाय शर्ट हमारा क्या है एक्यूसेटिव अगर यहाँ पे हम हिम ना भी लगाते तो भी हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता राम है राम रामगेवा शर्ट राम ने एक शर्ट दी ये भी हमारा ऑब्जेक्ट आ सकता था लेकिन हमने यहाँ पर हिम लगा दिया हम हमने यहाँ पे डेटिव ऑब्जेक्ट को भी इंक्लूड कर लिया इट मींस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को भी हमने यहाँ पे ले लिया सो so, समझ आ गया आपने आपने एक्यूसेटिव और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ऑब्जेक्ट क्या होता है जो सॉरी uh, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट क्या होता है जो वर्ब के बाद आता है वर्ब से क्या क्वेश्चन जैसे कि राम ने दिया क्या दिया क्या से जो भी हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट हो गया और दूसरा आप देख सकते हो कि वर्ब के बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले क्या आता है सब्जेक्ट आता है ओके okay? तो हमारा ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस नेक्स्ट है आपका पजेसिव केस पजेसिव क्या होता है पजेसिव होता है जब हम किसी चीज़ पे पजेशन दिखाते हैं पजेशन होता है अधिकार तो पजेशन किस चीज़ पे दिखा रहे हैं है ना तो वो होता है हमारा पजेसिव केस जैसे कि दिस इज़ मोहन बुक ये पजेशन के लिए आपको जो वर्ड मिलेगा वो होता है का के रिलेशन पोजिशन क्या दिखाता है रिलेशन संबंध बताता है कि किसका किससे संबंध है जैसे कि दिस इज मोहन बुक ये किसकी बुक है मोहन की मोहन इस बुक पे किसका अधिकार है मोहन का अधिकार है पोजिशन होता है यहाँ पे पोजिशन एक तरह से अधिकार का काम करता है जैसे कि हमें किसी भी चीज पे हमारा जो अधिकार होता है वो पोजिशन होता है जैसे कि दिस इज मोहनस बुक ये किसकी बुक है मोहन की बुक है दीज आर द लेग्स ऑफ द टेबल अब ये जो पैर है जो टेबल के नीचे है जो जिसके uh, जो तो जिसके सहारे वो जो टे, टे, टेबल खड़ी होती है वो क्या होती है टेबल के पैर होते हैं नीचे तो ये क्या किसकी बात हो रही है दिस इज दिस इज द लैग्स ऑफ द टेबल अब यहाँ पे जो ऑफ है ये क्या दिखा रहा है रिलेशन दिखा रहा है किसका लेग का टेबल से समझ आ गया लेग का जो रिलेशन है वो किससे है टेबल से रिलेशन दिखा रहा है यहां पे बुक का रिलेशन किससे है मोहन से दिखा रहा है तो इन दोनों यहां पे अपोस ट्रॉफी एस का यूज़ किया और यहां पे ऑफ का यूज़ किया हुआ है इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और बहुत ज़्यादा ही बच्चों को कंफ्यूजन होता है कहाँ अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है और कहाँ पे ऑफ लगाना है इसके लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी फिलहाल मैं आपको एक सिंपली ये बताना चाहूंगी अगर आप रिलेशन दिखा रहे हो किससे पर्सन से तो आप अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करोगे अगर अगर आप रिलेशन दिखा रहे हो किसी निर्जीव चीज़ से तो आप किसका यूज़ करोगे ऑफ़ का यूज़ करोगे लेकिन बहुत सारे इसमें एक्सेप्शन भी हैं और मैं आपकी ये जो ट्रॉफी एस वाली जो वीडियो है वो मैं आपको अलग से बना के और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगी तो अभी फ़िलहाल आप यही समझिए जो पर्सन का रिलेशन होता है वो किससे होता है अपोसट्रॉफी एस से हम दिखाते हैं और जो किसी निर्जीव चीज़ का जो रिलेशन होता है वो ऑफ से दिखाते हैं सो पॉइंट तो हमारा जो केस है वो यही होता है वो हमारा नाउन से रिलेशन को दर्शाता है ठीक है नेक्स्ट है हमारा वोकेटिव केस वोकेटिव केस क्या होता है जब हम किसी को किसी के नाम से संबो, इसको हम संबोधन कारक भी बोल सकते हैं जब हम संबोधित करके किसी को बुलाते हैं जैसे कि हमारा जो सेंटेंस है कम हेयर क्या बोल रहे हैं कम हेयर यहां पर आओ Come here. मुकेश लास्ट पहले हमने क्या बोला पहले उसको बुलाया हमने कम हेयर फिर हमने उसको किससे बुलाया उसके नाम से उसको संबोधित करके बुलाया उसको वोकेट करके बुलाया उसके नाम को बोल के बुलाया ठीक है कम हेयर मुकेश ठीक है तो यहाँ पर यह क्या है वोकेटिव केस हो गया हमारा तो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा सब्जेक्टिव केस क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है है ना ऑब्जेक्टिव में हमारे क्या हो गए एक्यूसेटिव और डेटिव भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मैं अच्छे से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी ओके okay? तो आ, और ये जो मैंने जो पोजीशन वाली जो बताई है वो मैं आपके लिए कर, अलग वीडियो एक और लेके आऊँगी अगर आपको इनमें कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना और आज की वीडियो के लिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और अब नेक्स्ट वीडियो अपनी कंटिन्यू वीडियो अपनी सॉरी कंटिन्यू स्टडी करो और अपनी जो आज की वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो